मधुबन सल्ला रसूल करीम अम्माबाद। एक साथी ने ख्वाब पूछा कि औरतों को देख रहा है, वो नाच भी रही हैं और ढोल भी बजा रही हैं और तबले भी बजा रही हैं, बड़ी खुशी के इजहार कर रही हैं। प्यारे, अगर ये ढोल बजाना मर्दों को देखता तो ये बहुत बुरी अलामत थी, ये बहुत यानी बीमारी में या कोई गुनाह में मुबतला होने के निशाने थे। लेकिन अगर ये औरतों को देखा तो इसका मतलब इसको कोई खुशी मिलने वाली है, खुशखबरी मिलने वाली है, कोई ना कोई नेमत मुमकिन है। और इसी तरह फिर देखा कि वो तवाफ़ कर रहे हैं और बैतुल्लाह के गिर्द घूम रहे हैं, तो ये इसका मतलब ये है कि या तो ये खुद कोई दीन का काम करेंगे और बड़ा काम करेंगे, या इनकी नस्ल में से कोई बड़ा दीन का काम करेगा और ऐसे काम करेगा जिनका सवाब हज उम्रे के बराबर भी है और जो उम्मत मुसलमान का इंसानियत का खैर ख्वाब भी है। तो दोनों एतबार से ख्वाब मुबारक अलामत है और मुमकिन है अल्लाह इनको प्रैक्टिकली फौरी तौर पर या जल्दी हज बदर हज की भी तौफीक दे दे और कबूलियत वाले हज की तौफीक दे दे। अल्लाह दोनों जानों की सादत ताफर में, बरकत ताफर में, कबूलियत ताफर में। मुझे उम्मीद है मेरे भाई मेरे बहनें हमारे हर पैगाम को ख़ुद भी सुनेंगे, दूसरों को भी सुनाएंगे, ख़ुद भी अमल करेंगे, दूसरों को भी कराएंगे इंशाअल्लाह, ताकि इस्लाही मुआशरा में किरदार अदा कर सकें, हमारे वतन अज़ीम को बेहतर बना सकें और इंसानियत की खिदमत कर सकें, इंसानियत के लिए भलाई अच्छाई कर सकें। अल्लाह सबको इस्तेमाल फरमाए, कबूल भी फरमाए। Peace be unto you.